अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फारूक हसन एंड यू आर वाचिंग सही बस पाकिस्तान। आज हम आपको कराची लेके आए हैं, कराची जो कि रोशनियों का शहर है, और जितने भी कराची आइट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जिनको कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की सर्विसेज रिक्वायर्ड है। सो सैयद ब्रदर्स कराची के अंदर मौजूद है और हमारी सारी प्रोफेशनल टीम जो है कराची के अंदर आपको मिलेगी। हमारे यहाँ पे 100+ प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑन गोइंग हैं डिफरेंट लोकेशंस पे और पूरे कराची के अंदर, बहरिया टाउन हो, DHA हो, नॉर्थ नाजाबाद हो, गुलशन हो, PCHS हो, कारसाज हो, तो यहाँ पे आपको हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। उसमें मॉडर्न लाइन्स के ऊपर भी प्रोजेक्ट हैं, स्पेनिश पैटर्न्स पे भी हैं, विक्टोरियन पैटर्न्स पे भी हैं, मेडिटेरियन पैटर्न्स पे भी हैं। सो आपने सैयद ब्रदर्स की इस वीडियो को स्किप नहीं करना और ज़रूर इसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट जो हैं हम आपको दिखाएंगे और आगे इंशाल्लाह हम आपको इसका टूर कराते हैं। जी तो अब हम हैं कराची बहरिया टाउन में, और कराची बहरिया टाउन आपको पता है कि बहुत खूबसूरत लिविंग है, और ये जो है हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं अदनान साहब, इनके लिए हम बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। 500 गज़ जो है इसका प्लॉट साइज़ है, मॉडर्न लाइंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है, और टोटल 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। सो अभी ये अपनी फाउंडेशन से जो है घर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और इंशाल्लाह जब ये कम्प्लीशन की तरफ आएगा तो ज़रूर हम आपको इसका कम्प्लीशन टूर कराएँगे। तो ये जो है हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन जो है बहरिया हिल्स कराची है, और इस प्रोजेक्ट की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो 700 स्क्वायर यार्ड इसका प्लॉट साइज़ है, और मॉडर्न लाइंस के ऊपर इसका कस्टमाइज्ड एलिवेशन है जो कि बहरिया से हमने इजाज़त ली है। आप भी घर जो है अपना हमसे बनवा सकते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन जो है हम आपको करके दे सकते हैं। सो अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर है, और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है इसकी पाइलिंग की गई है, इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा डिफाइंड है। सो इस घर के अंदर जो है सेमी बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है, डबल हाइट जो है आपका मेन रिसेप्शन एरिया है, और डबल हाइट लाउंज भी है। सो इसका जो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत है, बैरियर हिल्स है, बैक साइड पे हमें ग्रैंड मॉस का व्यू नज़र आता है। तो ये हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो कि बहरिया टाउन के अंदर ही लोकेटेड है, और प्रेसेंट 29 जो है इसका एड्रेस है, 500 स्क्वायर यार्ड है, और बेसमेंट में जो है 7 क्वार्टर्स हैं, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है, मॉडर्न लाइंस के ऊपर है, 500 स्क्वायर यार्ड है, और आप देख सकते हैं कि इसकी बैकफिलिंग हो रही है और ग्रे का काम बहुत खूबसूरती से जारी है। और अगर आप इसकी फाउंडेशन की बात करें तो सारा काम आपके सामने बिल्कुल डिफाइंड है। सो ये प्रोजेक्ट जो है अपनी कम्प्लीशन की तरफ जाएगा इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स, और इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। जी तो अब हम अपनी एक और साइट पे मौजूद हैं जिसकी लोकेशन जो है वो बहरिया टाउन है, और जो कि बहुत एक उसका बहुत खूबसूरत ब्लॉक है जिसको गॉड सिटी कहते हैं। सो अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये बेसिकली एक वेकेशन हाउस है जो कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए है, और इसमें टोटल 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है, आप देख सकते हैं कि स्टोन क्रशिंग की जा रही है, और यहाँ पर मशीन्स लोकेटेड हैं और जिसकी फाउंडेशन तैयारी की जा रही हैं। सो इसमें जो है हमें ग्राउंड लेवल पर जो है वो इंडोर पैटियो दिया गया है, और बहुत खूबसूरत डबल हाइट स्पेसेस डिज़ाइन की गई हैं। सो इंशाल्लाह जब ये घर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम आपको ज़रूर इसका टूर देंगे। थैंक यू। तो अब हम मौजूद हैं प्रेसेंट 33 में बहरिया टाउन कराची, और ये हमारी एक और साइट है जो क्लाइंट है, उनका नाम है अशफाक साहब, और उनके लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि फाउंडेशंस पे काम जारी है और सारी है, और फ्रेम स्ट्रक्चर है, और जहाँ तक अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो प्रेसेंट 33 है, और प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल फेसिंग यहाँ पर स्टेडियम है उसके बिल्कुल सामने है। सो ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ जो है कम्प्लीशन की तरफ मूव करेगा और हम आपको इसका टूर कराएँगे।
जी, तो अब हम अपने एक और प्रोजेक्ट की तरफ मौजूद हैं जो कि इमार में है, लोकेटेड है, और पर्ल टाउन वन है, पेंट हाउस है जिसको हम रीडू कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका व्यू जो है वो ओशन फ्रंट है। सो अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो इसकी फिनिशिंग पे सैयद ब्रदर्स काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल क्विल्टिंग्स होने जा रही हैं, यह एक आपकी फीचर वॉल डिज़ाइन हो जाएंगी फुल। आप देख सकते हैं कि इसकी सीलिंग्स पर भी काम जारी है और फुल स्पेनिश थीम पर ये प्रोजेक्ट हम सारा रीडू कर रहे हैं। ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट हैं और अमेरिका में वो होते हैं, उनके लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपका भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है और आपको कराची के अंदर कोई अच्छी कंपनी रिक्वायर्ड है तो आप सैयद ब्रदर्स से जो है बिल्कुल सर्विसेज ले सकते हैं। सैयद ब्रदर्स कराची में मौजूद है और सैयद ब्रदर्स आपको एसेस ज़रूर करेगी। थैंक यू। जी, तो अब हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़ाबाद एफ़ ब्लॉक में, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये स्पेनिश लाइंस के ऊपर है और 1000 गज़ का प्लॉट साइज़ है, 1000 स्क्वायर यार्ड्स भी कह सकते हैं, 10,000 स्क्वायर फुट इसका कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है, टोटल 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। सो ये इसका ग्रे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी सारा कम्प्लीट हो चुका है, फिनिशिंग की स्टेजेस के ऊपर है, डबल हाइट जो है इसके जो है रिसेप्शन एरिया है, लॉबीज़ हैं, और इसका हम आपको आगे टूर कराते हैं। तो अब हम मौजूद हैं नाज़ाबाद में और यहाँ पे जो है ये हमारा 500 गज़ का प्रोजेक्ट है और मॉडल लाइंस के ऊपर प्रोजेक्ट है, फुल बेसमेंट के साथ है, बेसमेंट लेवल है, ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट लेवल है। इसमें टोटल जो है 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, बेसमेंट में जो है होम सिनेमा है और एक इंटरटेनमेंट एरिया है। सो ये यहाँ का एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इंशाल्लाह जब इसकी कम्प्लीशन होगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। थैंक यू। जी, तो अब हम मौजूद हैं सादी टाउन कराची में और आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ग्रे की फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और मेडिटेरियन पैटर्न के ऊपर इस घर को डिज़ाइन किया गया है। ग्रे का काम जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कि आर्चेस जो ग्रे में ही हैं वो कितनी ज़्यादा डिफाइंड है। सो अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इसमें 1200 PSI का जो है इसमें ब्लॉक इस्तेमाल किया गया है जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह इसके अंदर जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया है वो लकी सीमेंट है। इसके अलावा इसमें जो हमने प्लम्बिफिकेशन इस्तेमाल की गई है वो आप देख सकते हैं कि वो सारी डेडेक्स की इस्तेमाल की गई है। नॉर्मली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई भी डेडेक्स की जो प्लम्बिफिकेशन है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। सो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसके आर्चेस कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये आपका जो है मेन डबल हाइट एरिया है जो कि आपका रिसेप्शन लॉबी एरिया है। नॉर्मली पूरे सादी टाउन के अंदर आपको इस तरह का घर नज़र नहीं आएगा। सो इसके अलावा इसका साथ ही जो है वो लिविंग स्पेस है। लिविंग स्पेस भी आप देख सकते हैं कि ग्रे का काम कितनी खूबसूरती से किया गया है कि इसमें आपको कोई भी जो है पैचेस नज़र नहीं आएंगे। राइट साइड पे हमारी फायरप्लेस है और इंशाल्लाह जब ये घर कंप्लीट होगा तो हम आपको ज़रूर इसका टूर कराएंगे। जी, तो अब हम मौजूद हैं स्कीम 33 कराची में और ये हमारा एक विक्टोरियन पैटर्न्स का प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग की ये फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। इसके आर्चेस आप देख सकते हैं, इसके पिलर्स आप देख सकते हैं और ये अपनी फाइनल स्टेजेस के ऊपर प्रोजेक्ट जा रहा है। रॉट आयरन के गेट लग चुके हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारी मेन एंट्री एरिया है और यहाँ पर जो है अभी फ्लोरिंग्स जो है वो आ जाएंगी। फ्लोरिंग्स के साथ साथ ही जो है राइट साइड पर हमारा ड्राइंग रूम एरिया है, लेफ्ट साइड पर हमारी जो है स्टे केस है जो कि डबल हाइटेड है। सो इसके साथ ही जो है ये हमारा लिविंग एरिया है। सलामकुम नूसा, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है सर, खैरियत से। तो ये हमारे नूर भाई हैं जो इस प्रोजेक्ट पे होते हैं और कराची को ओवरऑल ये जो है वो लीड कर रहे हैं। नूर भाई बताएं क्या हालात है प्रोजेक्ट के, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट आपका? माशाल्लाह सर, आपके सामने बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। फिनिशिंग स्टेजेस पे है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसका हम हैंड ओवर कर रहे हैं। अच्छा, इसका डिज़ाइन भी सैयद ब्रदर्स ने किया है, इसका ग्रे स्ट्रक्चर भी सैयद ब्रदर्स ने किया है और इसकी फिनिशिंग भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी फर्निशिंग भी हम कर रहे हैं। सो बेसिकली ए से लेके जी तक जो है वो ओवर
ओवरऑल सैयद ब्रदर्स इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि सीलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, विक्टोरियन पैटर्न्स के ऊपर सीलिंग्स हैं, फिनिशिंग का काम जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है आपका। मैंने देखा है कि ओपन किचन यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये बताएं कि यहाँ पे ओवरऑल कितने कराची में प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास अभी यहाँ पे? हमारे पास कराची में 60+ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम डिज़ाइन फेज के अंदर हैं, उसके अलावा 20+ प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑन ग्राउंड हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं कराची के डिफरेंट एरियाज के अंदर। ठीक है, जिनमें स्पेनिश भी हैं, मॉडर्न भी हैं, विक्टोरियन भी हैं। सो अगर आप कराची में अपना घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी टीम अवेलेबल है। सारी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं और सारा जो भी प्रोसेस है वो सारा कुछ इन हाउस है। आप डिज़ाइन से ले कर ग्रे स्ट्रक्चर से ले कर फिनिशिंग से ले कर फर्निशिंग की एग्जीक्यूशन तक जो है हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल सारे इंजीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको यहाँ पे जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। ये मेरा घर बन रहा है और पाकिस्तान की सबसे बेस्ट कंपनी, आप कहते हैं ना जी सबसे बड़ी कंपनी बताते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट कंपनी सैयद ब्रदर्स ये घर बना रही है और ये घर इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और उसकी भी वीडियो जो है वो फरूख भाई आपको दिखाएंगे, आप सैयद ब्रदर्स के चैनल पर वो वीडियो देखेंगे। और मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, चीज़ आपके सामने है क्या चीज़ बन रही है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ तमाम चीज़ों से। सैयद ब्रदर्स के साथ एक्सपीरियंस हो गया, जब ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा था तो मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब बात आई फिनिशिंग पे तो एक एक चीज़ मुझे पसंद करवाना मेरी मर्ज़ी की, हर चीज़ के लिए उस डोमेन का प्रोफेशनल बंदा आता था और वो चीज़ फाइनल करवाता था मेरे साथ में, चाहे वो टाइल्स हों, चाहे वो वॉशरूम की चीज़ें हों, चाहे सैनिटरी हो, चाहे इलेक्ट्रिक मटीरियल हो, हर चीज़ को एक एक्सपर्ट बंदा आता था और वो एक दिन में इस तरह फाइनल करवा देता था। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट घर बन रहा है, मुझे किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं कि एलिवेशन पे कौन सी टाइल लगनी है, वॉशरूम में कौन सी टाइल्स लगनी है, कौन सी टाइल अच्छी लगेगी, किस तरह से कलर कम्बिनेशन होगी, एक एक चीज़। और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि जो चीज़ मुझे मार्केट से मैं पूछ के आता था, जो चीज़ मुझे अगर लेट सपोज कोई चीज़ 10 लाख रुपए की मिल रही है, वो परचेजिंग जब मुझे ये करके देते थे तो वही चीज़ मुझे 8.5-7 लाख रुपए की पड़ रही होती थी। यानी सैयद ब्रदर्स की वजह से मुझे फिनिशिंग में इतना सारा डिस्काउंट मिला इस महंगाई के टाइम पे कि मैं हाईली उसको रिकमेंड करता हूँ कि अपना घर जब भी बनवाएं, अगर ग्रे स्ट्रक्चर भी किसी से बनवा के आप फंस चुके हैं तो अपनी फिनिशिंग लाजमी सैयद ब्रदर्स से करवाइएगा। जी तो ये हमारा प्रोजेक्ट है 2000 गज का और ये मेन खयाबान इत्तेहाद के ऊपर लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कि ग्रे का काम बड़ी तेज़ी से जारी है और इसमें 3 लेवल्स हैं, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट लेवल। टोटल इस घर का जो कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है वो 22,000 स्क्वायर फीट है और इंशाल्लाह ये हमारा एक बड़ा आइकॉन प्रोजेक्ट है कराची के अंदर और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर लोकेटेड है। जी तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कराची ख़याबाने रोमी पे है और 1000 स्क्वायर यार्ड इसका प्लॉट साइज़ है और ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट लेवल है। ग्रेस का ऑलमोस्ट कंप्लीशन की फाइनल स्टेजेस पे है और आप देख सकते हैं कि कॉर्नर हाउस है, फ्रंट एलिवेशन मॉडल लाइंस के ऊपर है। तो इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और आप इस प्रोजेक्ट को विज़िट भी कर सकते हैं। थैंक यू। जी तो ये हमारी एक और साइट है जो कि फेज़ 8 के अंदर लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रे का काम जारी और सारी है और ख़याबाने अरफात इसकी लोकेशन है, 500 गज़ का प्लॉट साइज़ है, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट लेवल के साथ है। और आप देख सकते हैं कि अब हम इसके बेसमेंट फर्स्ट लेवल के बाद जो हम इसके सेकेंड लेवल की तरफ मूव करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी कम्प्लीशन होती है आपको ज़रूर इस घर का टूर कराएँगे। जी तो अब हम मौजूद हैं DHA फेज़ 8 में और ये हमारी साइट है ख़याबान शुजात में। 500 गज़ का इसका प्लॉट साइज़ है, इसकी जो फाउंडेशंस हैं आप देख सकते हैं, बेसमेंट में जो है फाउंडेशंस हैं, ग्राउंड लेवल है और इसके बाद इसका फर्स्ट लेवल है। सो बेसिकली जो है मॉडर्न लाइंस का प्रोजेक्ट है, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो कि USA में होते हैं और उनके लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप भी अगर ओवरसीज़ हैं आप भी हमसे कराची में सर्विसेज ले सकते हैं। जी तो अब हम मौजूद हैं गुलशन में और ये हमारा 500 गज का जो है प्रोजेक्ट है, कॉर्नर जो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर प्रोजेक्ट है, मॉडल लाइंस के ऊपर ही हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फाउंडेशन जो है इसकी खुद गई हैं, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट लेवल है और इंशाल्लाह इस पर जो है मजीद स्पीड से जो है काम स्टार्ट होने जा रहे हैं।
जी, तो अब हम मौजूद हैं NHS में, और NHS जो है एक बहुत हाई एंड जो है अपार्टमेंट लिविंग है। ये हमारा जो है 5 बेडरूम अपार्टमेंट लिविंग का प्रोजेक्ट है, और इसकी सारी रेनोवेशन हम स्क्रैच से जो है इसको डिज़ाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक काम कर रहे हैं। राइट साइड पे आप देखें तो आप देखें कि इस तरह की अपार्टमेंट लिविंग आपको बहुत कम नज़र आएगी, बल्कि कराची में तो नज़र ही नहीं आएगी। आप डिटेल्स देख सकते हैं टाइल के पैटर्न्स के, ये आपका पाउडर रूम एरिया है। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम हो रहा है, ये हमारा बिल्कुल सामने जो है वो लिविंग स्पेस एरिया है। वॉल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वॉल क्विल्टिंग्स यहाँ पे होंगी, ये आपकी मीडिया वॉल है, सीलिंग्स के पैटर्न्स आप देख सकते हैं, और ये इसका जो है एक मेन वॉशरूम है। आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लोरिंग्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, वर्साची पैटर्न्स हैं और ओरिजिनल वर्साची इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप ये इन्हें दिखाएं कि यहाँ पे जो डिटेल का काम हुआ हुआ है, ब्रास वर्क है वो ले किया गया है, निशेस कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये जो था हमारा NHS का प्रोजेक्ट है, और इसमें फिनिशिंग पे काम हो रहा है। यहाँ पे राइट साइड पे हमारी सारी वॉल क्विल्टिंग्स पे काम जारी है, इसके ऊपर वॉल पैडिंग आ जाएगी, और इसी तरह इसके जितने भी डोर्स हैं वो हमने सारे लाहौर से मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। और इसी तरह हम आपको इसका एक और वॉशरूम दिखाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। ये भी इसका एक और बेडरूम एरिया है। राइट लेफ्ट साइड पे हमारी वॉल ट्रीटमेंट किया गया है, राइट साइड पे वॉल क्विल्टिंग यहाँ पे आ जाएंगी इस बेड वॉल के सामने। और ये देखें, ये इसका एक बड़ा अच्छा वॉशरूम है जिसमें जिसको ग्रे और ब्लैक कलर में ब्लेंड किया गया है। इसमें जितनी भी एसेसरीज वॉशरूम के अंदर इस्तेमाल की गई हैं वो सारी ड्यूजी की हैं। जी, तो अब हम मौजूद हैं अपने कराची ऑफिस में, और ये ऑफिस जो है हमारा ख़याबान इत्तेहाद के साथ ही लोकेटेड है, और हम पूरे कराची के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, डिज़ाइन से लेके ग्रे स्ट्रक्चर्स, फिनिशिंग, फर्निशिंग और सारी सर्विसेज आपको इन हाउस मिलेंगी। कराची के अंदर हमारे 100+ प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, कुछ डिज़ाइन फेज में हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर्स की स्टेज पर हैं, कुछ फिनिशिंग एग्जीक्यूशन पे हैं, कुछ फर्निशिंग की स्टेज पर हैं। इसमें 125 गज से ले कर 250 गज, 300 गज, 500 गज, 1000 गज से ले कर 4000 गज के हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, जिनको आप विजिट कर सकते हैं और जाके ऑन साइट देख सकते हैं। कराची के अंदर हम जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं, इनमें जो है आपको हमारी सारी प्रोफेशनल टीम यहाँ पे मिलेगी, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और मल्टीपल जितनी भी पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ में हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो हमने कराची शिफ्ट किए हैं ताकि आपको सर्विसेज दी जा सकें। सो इसका बिल्कुल हमारा ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, और हम कराची के अंदर 2 साल का वारंटी पीरियड भी देते हैं कि जब भी हम आपको घर आपका हैंड ओवर करेंगे, आपके घर में जो भी इशूज़ आएँगे तो उसे कंपनी बेयर करेगी। एक और ऑफ़र मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता करें, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो इनिशियल एक प्रमोशन है कि हम आपको 25% ऑफ डिज़ाइन में दे रहे हैं, और ज़रूर इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।